नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायोजर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट एंड डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अगर आपको ये चैप्टर के पिछले लेक्चर कुछ देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और वो रिस्पेक्टिव टॉपिक का लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो उसके पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सो देयर इज अ डेफिनेशन कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन। अभी सेक्स लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम, राइट। सो फीमेल रहेगा तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है। तो ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मतलब उनके ऊपर अलग अलग जीन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका मॉर्फोलॉजी अलग है, राइट। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब भी हम लोगों ने कंपेयर किया था एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। सो व्हाट इज सेक्स लिंक जीन? द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। तो ये एक्स एंड वाई क्रोमोजोम का कुछ पार्ट सिमिलर है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस रीजन। सो वेरी स्मॉल पार्ट इज सिमिलर, तो दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस रीजन। एंड वेरी लार्ज पार्ट इज डिसिमिलर, दैट इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस रीजन। सो दिस इज नोन एज होमोलोगस रीजन, दिस इज नोन एज नॉन होमोलोगस रीजन, राइट। तो ये जीन्स है वो हमेशा किधर लोकेटेड होते हैं? ऑन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम। सो वो जीन को बोलते हैं सेक्स लिंक जीन। और उसके वजह से जो इनहेरिटेंस होगा, उसके वजह से जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो ऑब्वियसली द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक जीन। द जीन विच इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोजोम इज नोन एज वाई लिंक जीन। तो उसके वजह से जो फिनोमिना दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेक्स लिंक जीन्स, जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन मतलब जो पार्ट सिमिलर नहीं है, होमोलोगस रीजन मतलब यहाँ पे एच लिखा है, ये सिमिलर पोर्शन है। तो वेरी स्मॉल पार्ट इज सिमिलर, वेरी लार्ज पार्ट इज नॉट सिमिलर, विच इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस रीजन। तो यहाँ पे जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड दे आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक जीन। तो अगर इफ द जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम तो उनको बोलते हैं एक्स लिंक जीन। इफ द जीन इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड एज वाई लिंक जीन। तो ये जीन के वजह से आपको अलग अलग ट्रेट दिखेंगे। ट्रेट मतलब क्या? कैरेक्टर जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा अल्बिनिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉपी है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी जो जीन्स है, ओके, या फिर जो सभी जो ट्रेड्स है उसके लिए जो जीन्स है वो जीन्स किधर है? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो जो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं सेक्स लिंक जीन उसको बोलते हैं सेक्स लिंक ट्रेड, राइट। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सेक्स लिंक ट्रेट, द ट्रेट दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक ट्रेट। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर को ये जीन कंट्रोल करेंगे, कौन से? सेक्स लिंक जीन, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक ट्रेट। और उसके वजह से जो इनहेरिटेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या? ट्रांसमिशन। तो अगर ये जीन, ये कैरेक्टर जितने भी आपको दिख रहा है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर,
अगर ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो अभी हम लोग दो जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्स लिंक जीन और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न इन डिफरेंट डिसीज एंड वाइलिन जीन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स लिंक जीन के साथ। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में। तो पहले हम लोग समझ के लेते हैं फीमेल और मेल में क्या रोल होता है एक्स क्रोमोसोम का और ये कैसे कंट्रोल होता है। तो आपको पता है फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे देखा दिस इज अ पेयरिंग रीजन। पेयरिंग रीजन मतलब दैट इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस रीजन, राइट। डिफरेंशियल रीजन मतलब क्या है, होमोलोगस रीजन। तो हमेशा याद रखो एक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मतलब एक्स लिंक जीन है वो किधर है, डिफरेंशियल रीजन या फिर नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं एक्स लिंक ट्रेट, ओके, एक्स लिंक कैरेक्टर, उसको ये कंट्रोल करते हैं। तो फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब फीमेल के पास कोई भी जीन रहने दो विच इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन, उस अलील का दो कॉपीज होगा फीमेल के पास। तो आपको ये एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पे जीन है कैपिटल ए, नॉर्मल अगर हम लोग जीन कंसिडर करते हैं तो एक कॉपी नॉर्मल है, दूसरा कॉपी क्या है, दैट इज रिसेसिव है। मतलब सिंस फीमेल के पास दो कॉपीज है तो तीन कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो फीमेल के पास दो कॉपी होने के वजह से फीमेल्स आर लेस अफेक्टेड, मतलब फीमेल्स क्या है कम अफेक्टेड होते हैं, उनके पास एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं दिखता बिकॉज उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम है। तो एक भी कॉपी अगर नॉर्मल होता है तो ये डिसीज या फिर ये डिसऑर्डर उनमें नहीं दिखेगा। लेकिन मेल में थोड़ा अलग है, मेल में क्या है एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो अलील का एक ही कॉपी रहेगा। एक तो हो सकता है वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। तो डोमिनेंट है तो वो अलील नॉर्मल है, राइट। अगर रिसेसिव है तो ये रिसेसिव में क्या हो सकता है, दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू सफर। तो मेल के पास दो कॉपीज, एक कॉपीज होने के वजह से मेल्स आर मोर अफेक्टेड। तो एक ही कॉपी है ना, तो फीमेल के पास दो कॉपीज है, सिंस मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक ही कॉपी है, तो मेल को बोलते हैं हेमीजाइगस। हेमी मतलब हाफ। क्या लिखा है यहाँ पे, कंडीशन वेयर जीन इज प्रेजेंट इन ओनली वन डोज। मतलब मेल के पास एक ही डोज है, फीमेल के पास दो डोज है, तो फीमेल्स आर लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड। लेकिन मेल्स क्या है, दे आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बिकॉज उनके पास एक ही कॉपीज होगा। तो देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, द एक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, राइट। किधर लोकेटेड, डिफरेंशियल रीजन या फिर नॉन होमोलोगस रीजन। एंड दीज जीन्स डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर करस्पॉन्डिंग अलील है ही नहीं, बराबर की नहीं। तो फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम, इन फीमेल टू रिसेसिव सेक्स लिंक जीन आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट। मतलब अगर वो सेक्स लिंक ट्रेट को एक्सप्रेस करना है तो ये दोनों भी कॉपीज क्या होना चाहिए, दैट इज रिसेसिव। मतलब यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, लेकिन मेल में ऐसे नहीं है, मेल में एक कॉपी भी सफिशियंट है। इफ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल है, फॉर द सेक्स लिंक ट्रेट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस बाय डोमिनेंट जीन। मतलब यहाँ पे देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर ये स्मॉल ए एक कॉपी है तो ये स्मॉल ए को सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल ए। सो द फीमेल विद वन रिसेसिव जीन आर कैरियर। तो ये फीमेल को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। एंड द फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल एंड शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसऑर्डर। तो फीमेल में कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा। मेल में उल्टा है, देखो मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, सो इफ द एक्स क्रोमोजोम कैरीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन सेक्स लिंक ट्रेट। मतलब अगर यहाँ पे देखो ये रिसेसिव है, बराबर, ये रिसेसिव एलील है स्मॉल ए,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिसेसिव अलील है, ये एक्सप्रेस होगा बिकॉज एक ही कॉपी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देन इट इज एक्सप्रेस फिनोटिपिकली, राइट, बिकॉज एक्स क्रोमोजोम के ऊपर अगर वो रिसेसिव जीन है तो वो जरूर एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज देर इज नो डोमिनेंट जीन, बिकॉज वाई के ऊपर कोई भी उसका करस्पॉन्डिंग अलील नहीं होता है, टू सप्रेस इट्स इफेक्ट, मतलब इसका ये इफेक्ट सप्रेस नहीं होगा, मतलब मेल के पास एक ही कॉपी है, देर इज नो करस्पॉन्डिंग अलील, उसके वजह से मेल में वो एक्सप्रेशन दिखेगा, वो ट्रेट दिखेगा, राइट। देयरफॉर सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेट अपियर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल देन इन फीमेल। तो कभी कभी है ना आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होता है व्हाई और द फीमेल द मेल्स आर मोर अफेक्टेड इन एक्स लिंक्ड ट्रेट देन फीमेल, गिव रीजन। तो ये रीजन में आपको ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। तो ये पैराग्राफ से आपको ये क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर भी मिला, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेट दैट अपियर मोर फ्रिक्वेंटली। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट भी देंगे, सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड ट्रेट अपियर मोर फ्रिक्वेंटली इन इन मेल देन इन द फीमेल, गिव रीजन। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मायोपिया, नियर साइटनेस, मस्क्युलर एट्रोपी, एट्रोपी मतलब क्या, डीजनरेशन। तो ये डिसीज में मसल का डीजनरेशन होता है। तो ये एक्सलिंग जीन के, दो एक्सलिंग जीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न भी देखेंगे। तो पहला है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एक्सलिंग जीन का पहला एग्जाम्पल है जो है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, जो पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होगा वो पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो दोनों भी कलर है उसको कैसे दिखेंगे, दोनों भी कलर उसको दिखेंगे ग्रे। तो रेड भी ग्रे दिखेगा और ग्रीन भी ग्रे दिखेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उनमें एक डिफेक्टिव जीन होता है जिसके वजह से ये जो कोन्स है, कोन्स आर द सेल्स जो रेटिना के अंदर होते हैं, तो ये कोन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उसके वजह से वो कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो जो पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होगा उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, ऑब्वियस है, बिकॉज उनको रेड एंड ग्रीन में फर्क नहीं समझेगा, दे के नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। और वर्ल्ड में से बहुत सारे पर्सनैलिटी है जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उनको भी कलर ब्लाइंडनेस है, उसके वजह से फेसबुक का जो कलर है वो ब्लू कलर है। तो देखो क्या है डिस्क्रिप्शन, इट इज एक्सलिंग रिसेसिव डिसऑर्डर वेयर पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर एज बोथ द कलर अपियर ग्रे। तो यहाँ पे दोनों भी कलर कैसे दिखेंगे, ग्रे, बिकॉज वो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सलिंग रिसेसिव जीन, ओके, रिसेसिव जीन है तो स्मॉल सी लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट ऑब्वियसली, विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल। तो यहाँ पे जो एक्सलिंग जीन है एक्स स्मॉल सी दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल, ये सेल का नाम है कोन्स, और ये कोन्स लोकेटेड कहाँ पे है, रेटिना पे। तो ये टेबल देखो, ये टेबल में आपको दिख रहा है ये मेल है फीमेल है, तो मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो मेल नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल होगा तो कैपिटल सी रहेगा, तो उसको बोलते हैं हेमीजाइगस डोमिनेंट। अगर कलर ब्लाइंड है तो उसको, यहाँ पे देखो स्मॉल सी है, दैट इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस रिसेसिव। हेमी मतलब हाफ, बिकॉज उसके पास कोई अल्टरनेट कॉपी नहीं है ना, बिकॉज एक ही क्रोमोजोम है। लेकिन फीमेल में हम लोग हेमीजाइगस नहीं बोल सकते बिकॉज फीमेल के पास दो कॉपीज है। तो फीमेल में देखो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो पहला पॉसिबिलिटीज है नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होगा, दोनों भी कैपिटल सी, दोनों भी कॉपीज नॉर्मल। कलर ब्लाइंड में क्या होगा, ए दोनों भी कॉपीज है वो एबनॉर्मल डिफेक्टिव, इसके वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है स्मॉल सी, और कैरियर में क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी।
तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, मतलब फीमेल कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, फीमेल कैन बी होमोजाइगस रिसेसिव और फीमेल कैन बी कैरियर। मेल में ऐसे नहीं है, एक तो वो नॉर्मल होगा या फिर कलर ब्लाइंड होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अभी ये इनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता कैसे, कैसे ये जीन ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर सपोज कलर ब्लाइंड मेल है, उसका शादी हुआ नॉर्मल फीमेल से, तो ये पहला मैरिज है, राइट। कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल, तो उनका जीनोटाइप क्या रहेगा, एक्स स्मॉल सी वाई, बिकॉज वो कलर ब्लाइंड है। फीमेल में क्या रहेगा, एक्स कैपिटल सी, बिकॉज दिस दे हैव नॉर्मल कॉपीज, राइट। तो ये गैमेट फॉर्मेशन है, तो गैमेट फॉर्मेशन में मेल में क्या होगा, कैपिटल स्मॉल सी एक गैमेट में जाएगा, कैपिटल वाई दूसरे गैमेट में जाएगा, बिकॉज मेल इज सेड टू बी हेट्रोगैमेटिक। फीमेल में क्या होगा, सेम गैमेट प्रोड्यूस होगा। तो उनका पॉसिबल प्रोजेनी जो मिलेगा F1 जनरेशन में ये है, राइट। तो F1 जनरेशन में क्या मिला आपको, दो डॉटर्स मिले, तो एक डॉटर के पास ऑब्वियसली एक्स क्रोमोजोम आएगा मेल से, तो वो एक्स क्रोमोजोम है, दैट इज अ डिफेक्टिव बिकॉज इट इज हैविंग स्मॉल सी, राइट, दिख रहा है। और एक क्रोमोजोम आएगा फीमेल से, तो फीमेल में तो दोनों भी कॉपीज नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो डॉटर्स है उसमें एक कॉपी नॉर्मल है कैपिटल सी, एक कॉपी है डिफेक्टिव, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज कैरियर डॉटर रहेगी, मतलब डॉटर्स विल बी कैरियर। तो आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी 50% चांसेस दैट देयर डॉटर्स, मतलब जितने भी डॉटर्स है ऑल विल बी कैरियर्स, राइट। लेकिन सन में क्या होता है, सन नॉर्मल रहेंगे, क्यों नॉर्मल रहेंगे, बिकॉज सन के पास जो कुछ एक्स क्रोमोसोम आएगा वो एक्स क्रोमोसोम कंपलसरी मदर से आएगा, तो मदर के पास दोनों भी कॉपीज नॉर्मल है, तो ये सन क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी 50% विल बी कैरियर एंड 50% विल बी नॉर्मल। तो ये हुआ फोर्स केस, बराबर। ये पहले केस में क्या है, कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल, सो ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर्स, ऑल सन्स विल बी नॉर्मल, राइट। अगर नेक्स्ट केस में क्या होता है, देखो ये नेक्स्ट केस में अगर आपने देखा, कैरियर जो डॉटर है, राइट, ये कैरियर डॉटर के पास एक जो स्मॉल सी जीन आया है वो किधर से आया है, फादर से आया है। तो ये कैरियर डॉटर का अगर शादी किया जाए नॉर्मल मेल के साथ, तो नॉर्मल मेल के पास तो क्या है, कैपिटल सी है, राइट। तो यहां पे देखो गैमेट्स, ऑब्वियसली कैरियर डॉटर के गैमेट्स में रहेगा एक कैपिटल सी, दूसरे में आएगा स्मॉल सी, मेल में क्या रहेगा, कैपिटल सी, दूसरे में आएगा वाई। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में देखो ये प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है, तो पहले कंडीशन में क्या होगा, दैट बोथ द एक्स क्रोमोसोम विल बी नॉर्मल, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम आएगा डॉटर से, मतलब वो फीमेल से, दूसरा नॉर्मल कॉपीज आएगा मेल से। दूसरे कंडीशन में दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल है वो भी नॉर्मल है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम आएगा फीमेल से, बराबर कि नहीं, और ये वाई क्रोमोसोम तो मेल से आता है, तो वहां से कुछ सवाल ही नहीं है एक्स क्रोमोसोम आने का, राइट। यहां पे देखो थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, डॉटर इज कैरियर, क्यों कैरियर, बिकॉज एक नॉर्मल कॉपीज मेल से आया और एक एबनॉर्मल कॉपीज आया वो फीमेल से, तो कैरियर द फीमेल विल बी कैरियर। और यहां पे देखो क्या हो रहा है, जो मेल हो रहा है यहां पे प्रोड्यूस, ये मेल होगा कलर ब्लाइंड, क्यों कलर ब्लाइंड होगा, बिकॉज ये मेल के पास एक डिफेक्टिव कॉपी है, दिख रहा है, जो मदर से आ रही है, बराबर। तो मेल के पास ये मदर से आई हुई कॉपी है, राइट, ये कॉपी कैसी है, डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब स्मॉल सी है, उसके वजह से क्या होगा, मेल विल बी कलर ब्लाइंड। लेकिन अभी देखो ये सन है, ये सन के पास ये जो कॉपी आया वो किधर से आया, ये कैरियर डॉटर से आया जो F1 जनरेशन की है, राइट। मतलब ये डॉटर के पास ये जो कॉपी आई थी ये किसके पास आई थी, उसके फादर के पास। मतलब कैसे हो रहा है, देखो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का अगर हम लोग डिस्कस किए तो ये कैरियर डॉटर के पास आई कॉपी वो उनके फादर से आई, बराबर, और ये कैरियर डॉटर उसके सन के पास ये कॉपी भेज रहा है। मतलब कैसे हो रहा है इनहेरिटेंस, फ्रॉम फादर टू डॉटर, बराबर, एंड डॉटर टू ग्रैंडसन, मतलब फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल।
उसके वजह से एक्स लिंक इनहेरिटेंस है उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस क्यों? बिकॉज पहला फादर डिफेक्टिव था, ये डिफेक्टिव फादर में फादर ने क्या किया, वो स्मॉल सी दिया कैरियर डॉटर के पास और ये कैरियर डॉटर से ये कॉपी आ रहा है कलर ब्लाइंड मेल के पास, मतलब सन के पास, ग्रैंड सन के पास। तो फ्रॉम फादर टू ग्रैंड सन आ रहा है ये कॉपी वाया डॉटर, तो फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, सो दैट्स व्हाई दैट इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया रहेगा। एक्सलिंग का और एक एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं वो है हीमोफीलिया। अभी हीमोफीलिया नाम से ही पता चलता है, हीम मतलब ब्लड, फीलिया इज लव। तो ये डिसऑर्डर में क्या होता है, जो पर्सन को हीमोफीलिया होगा वो पर्सन में कुछ रिसेसिव जीन होते हैं, उसके वजह से उनमें जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होते, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होते तो यहाँ पे ब्लड विल फेल टू कोएगुलेट और क्लॉट, मतलब यहाँ पे ब्लड एक तो कोएगुलेट नहीं होगा या फिर अगर क्लॉट भी होगा वो बहुत ही स्लोली होगा। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सलिंग डिसऑर्डर, बिकॉज इसके लिए जो जीन है वो लोकेटेड है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो यहाँ पे छोटा भी इंजुरीज होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा, इसके वजह से इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिसीज। और ये डिसीज पाया गया इंग्लैंड के रॉयल फैमिलीज में, इसके वजह से इसको बोलते हैं रॉयल डिसीज। तो यहाँ पे देखो, इट इज एन एक्सलिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट वेरी स्लोली। द जीन फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डॉमिनेंट ओवर रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया, एंड मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जीन है तो क्या होगा, क्लॉटिंग नॉर्मल होगा, वो डोमिनेंट है, और लेकिन अगर रिसेसिव जीन आया तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ ब्लीडिंग, और उसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। सो द पर्सन इज हैविंग हीमोफीलिया इज डेफिशिएंट इन क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9। तो 8 and 9 क्लॉटिंग फैक्टर, ऐसे 12 क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें से 8 और 9 क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिव हो सकते हैं, उसके वजह से क्या होगा, क्लॉटिंग होगा नहीं। सो इवन माइनर इंजुरीज कैन कॉज कंटिन्यूस ब्लीडिंग, हेंस इट इज नोन एज ब्लीडर्स डिसीज। तो यहाँ पे दिख रहा है ये मेल और फीमेल है, तो मेल में दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो कैपिटल एच होगा या फिर स्मॉल एच। कैपिटल एच है तो नॉर्मल है, स्मॉल एच है तो हीमोफिलिक मेल, राइट, या फिर दैट मेल इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। लेकिन फीमेल में ऐसे नहीं है, फीमेल में क्या है, दोनों भी कैपिटल हो एच हो सकते हैं, बिकॉज दो एक्स क्रोमोसोम है तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो सकता है। दोनों भी स्मॉल एच मतलब वो फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, और ये जीनोटाइप को हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, या फिर दैट फीमेल कैन बी कैरियर, कैपिटल एच स्मॉल एच। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है, केसेस देखते हैं, दो अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पैटर्न है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोफीलिक मेल, मेल कैसा है, हीमोफीलिक है, मतलब मेल इज हैविंग डिफेक्टिव कॉपी दैट इज स्मॉल एच ऑन द एक्स क्रोमोसोम, मैरिज विद द नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल के साथ क्या हो जाएगा, उसका शादी हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट उनका जो प्रोजेनी होगा वो प्रोजेनी में क्या होगा, ऑल द डॉटर्स विल बी कैरियर, बिकॉज ये एक्स क्रोमोसोम कंपल्सरी डॉटर के पास जाएगा, मेल से डॉटर के पास। तो जितने भी डॉटर हो जाएंगे वो डॉटर्स के पास क्या रहेगा, कैपिटल एच स्मॉल एच। अभी जब ये कैरियर डॉटर का शादी किया जाएगा नॉर्मल मेल से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जनरेशन में फादर से ये जीन किधर जा रहा है, डॉटर के पास जा रहा है, उसके वजह से डॉटर क्या हो रही है, कैरियर डॉटर। लेकिन जब भी कैरियर डॉटर का शादी होगा नॉर्मल मेल से, कैरियर डॉटर का यहाँ पे शादी होगा नॉर्मल मेल से, नॉर्मल मेल से शादी होने के बाद क्या हो रहा है, आपको 25% प्रोजेनी जो फीमेल है वो नॉर्मल हो जाएंगे, बराबर 25% प्रोजेनी जो मेल है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल, बिकॉज उनके पास नॉर्मल कॉपीज है कैपिटल एच। उसमें से 25% प्रोजेनी है जो है फीमेल वो क्या हो सकती है, कैरियर, बिकॉज उनके पास एक कॉपीज है वो फादर से आएगा। तो अगर ये डिफेक्टिव कॉपी आया
दैट इज स्मॉल एच वाला, तो दैट फीमेल विल बी कैरियर, बिकॉज एक कॉपी तो कंपल्सरी फादर के पास से आएगा, एक कॉपी मदर के पास से आएगा. तो ये मदर है ये कैसी है, कैरियर है. तो यहाँ पे एक नॉर्मल कॉपीज फादर से आया और डिफेक्टिव कॉपी किधर से आया, मदर से आया. तो मदर विल बी कैरियर. एंड यहाँ पे जो मेल है वो 25% मेल है, उसमें वो क्या हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड, बिकॉज उनके पास जो डिफेक्टिव कॉपी है वो आ रहा है कैरियर डॉटर से, मतलब कैरियर मदर से. तो यहाँ पे मदर से ये जीन किसके पास गया, मेल के पास गया, मतलब सन के पास गया, और सन में वो डिसऑर्डर दिखेगा. तो ये डिसऑर्डर कैसे ट्रांसमिट हुआ है, फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू ग्रैंडसन, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन वाया डॉटर. तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो पहले जनरेशन में क्या हुआ था, मेल टू फीमेल. अभी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, फ्रॉम फीमेल टू मेल, बराबर कि नहीं. तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो याद रखो हीमोफीलिया एज वेल एज कलर ब्लाइंडनेस और इवन एनी एक्सलिंग डिसऑर्डर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो एक्सलिंग इनहेरिटेंस है उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो ये याद रखो, ये था पूरा एक्सलिंग इनहेरिटेंस के बारे में. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वायलिंग इनहेरिटेंस, या फिर ये इनहेरिटेंस किसके वजह से, वायलिंग जीन. तो आपको याद है द वायलिंग जीन्स आर द जीन विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम. तो वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस रीजन है वहां पे ये लोकेटेड है. और हमेशा याद रखो वाई क्रोमोसोम है वो फादर से सन में जाएगा, मतलब ये इनहेरिटेंस है ये हमेशा फ्रॉम मेल टू मेल होगा, बराबर कि नहीं. बिकॉज वाई क्रोमोसोम वी ऑलवेज रिसीव फ्रॉम द फादर, कोई भी सन है उसका जो वाई क्रोमोसोम आएगा वो फादर से आएगा, तो जो जीन्स है वो भी फादर से ही आएंगे, बराबर. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज वायलिंग जीन एंड द वायलिंग जीन्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल, राइट. तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना, बराबर, उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस. तो हाइपर ट्राइकोसिस के लिए जो जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, मतलब अगर फादर को हाइपर ट्राइकोसिस है तो वो बच्चों को भी क्या होता है, हाइपर ट्राइकोसिस होगा. तो हाइपर ट्राइकोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइलिंक्ड इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे देखो In man, the Weyling gene such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna of ear. तो ये साउथ इंडियन लोगों में वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है यहाँ पे, राइट. तो अगर ये कैरेक्टर दिख रहा है तो अगर फादर के ऊपर ये कैरेक्टर होगा तो ये फादर से ये कैरेक्टर जाएगा उनके बच्चों में, सन में, राइट. तो हमेशा याद रखो ये हमेशा कैसे जाता है, फ्रॉम मेल टू मेल, बिकॉज वाई क्रोमोसोम भी कैसे जाएगा, फ्रॉम मेल टू मेल. सो दिस कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन. तो वाइलिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस, राइट. सो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा. तो ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया एक्सलिंग इनहेरिटेंस, एक्सलिंग जीन, उनका इनहेरिटेंस पैटर्न एंड वाइलिंग जीन. होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा. तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए आप ये चैनल को जरूर शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय.